ये आज आज का माल है सिर्फ, आज भाई आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। ये वेज पनीर सोयाबीन मोमोस देने की स्पीड भैया की, डालने की स्पीड ऐसी है। ये क्राउड आप देख रहे हैं ना, अभी बढ़ता जाएगा क्राउड। पहली बाइट में समझ आ गया था कि हाँ यार चट्टी में दबा है। जब स्टार्टिंग में एंट्री करी थी इंडिया में मोमोज, तो ऐसे ही थे। मैंने फर्स्ट टाइम मोमोज जब खाए थे ना, मुझे उसकी याद आ गई है सच में। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों हमारे साथ है विनय भाई, साथ में योगिंद्र भाई, और ये लाया मैं मनोज भाई के पास। भीड़ देखो पहले एक बार, आप एक बार थोड़ा सा साइड जाएंगे। ये अभी आपने कहा कि 5% क्राउड भी नहीं है आया का, मतलब भीड़ ऐसी ज़बरदस्त आती है। और इतनी जो बड़ी कार्ट है दिख रही होगी आपको, करीब 8x4 का तो इसका साइज़ है ही। और यहाँ पे सिर्फ मोमोज मिल रहे हैं, वो भी वेज और स्टीम, सॉरी स्टीम और फ्राइड, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ मोमोज के बेस पे ये इतनी भीड़ यहाँ जमा कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक मोमोज है, कुछ ऐसा नहीं कि आजकल नए नए जो ट्रेंड फ्यूजन चल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल मोमोज है। ट्राई करते हैं। एड्रेस बताओ मुझे एक बार, क्या यहाँ का एड्रेस है? सोफटा रोड, शमशाबाद रोड। अच्छा ठीक है, तो जो भी इन्होंने बोला वो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ के मोमोज सारे के सारे ट्राई करेंगे, आपको रिव्यू देंगे। वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। प्योर वेजिटेरियन मेन्यू है मोमोज का, बहुत कम जगह मोमोज प्योर वेजिटेरियन तरीके से सर्व होते हैं। बाकी भाई बेसिक है जो आप देखते हैं, स्टीम है, फ्राइड वेज मोमोज, तीन मोमोज है, उसको आप स्टीम में भी ले सकते हैं, सोयाबीन पनीर और वेज, और आप फ्राइड में भी ले सकते हैं। भाई क्वांटिटी देख लो पर मोमोज की, भर भर के मोमोज भैया बेच रहे हैं। ये कौन कौन से वाले भैया, वैरायटी क्या क्या है? ये वेज पनीर सोयाबीन, ये वाले, ये सोयाबीन, सोयाबीन है। और ये दोनों कौन कौन से? ये पनीर है, हाँ। ये वेज है। अच्छा ये आज आज का माल है सिर्फ, आज भाई आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। क्या बात है, कमाल लग रहे हैं सर आपके। और वेजिटेरियन है प्रॉपर, है ना? ओनली वेज, बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हमारा भी चैनल वेजिटेरियन है, खाते ही नहीं है, वेज ही खाते हैं। बढ़िया। मोमो सोर्सिंग करते हो या खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं। चटनी भी आपकी मुरी को पूरी हैंडमेड लग रही है। ये देखिए भाई बहुत फास्ट स्पीड से काम चल रहा है, एक बार क्राउड आप देख लीजिए। अभी जैसे जैसे रात बढ़ते जाएगी भैया, ये तो पूरा घिर जाता होगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा स्टार्ट कितने बजे करते हो? अभी का तो नहीं होगा, एक दो घंटे तो होंगे। चार बजे से। आपका नाम सर मनोज है? आप ही के नाम, मनोज के नाम पे ही है। अच्छा बढ़िया, तो क्राउड अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी शाम के 6-7 बजे के आसपास जरा, जब 8-9 बज जाते हैं ना, यहाँ लग जाती है भाई वेटिंग, इतना अमेजिंग क्राउड है, जमा हो जाता है। मोमोज देने की स्पीड भैया की, डालने की स्पीड ऐसी है कि मतलब किसी को ना 2-4 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है यहाँ पे लेने में। भैया प्राइस भी बता दो एक बार, कितने कितने के क्या के? ये वेज वाले 30 की है, फ्राई करके 40 की है। अच्छा, और कितने क्वांटिटी? 10 रहती है, कितने? 12 रहते हैं, 30 के 12। अच्छा, सोयाबीन पनीर 40 की है, फ्राई करके 50 की है, 12 पीस। और ये पनीर, ये पनीर दोनों सेम है? अच्छा, बस ये तीन ही आइटम आपके पास मोमोज ही है यहाँ पे, तीन वेराइटी के और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बस चटनी आपको दिखाते हैं, प्रॉपर हैंडमेड चटनी दिख रही है आपको। और क्या क्या रहता है सर इसमें? चटनी तो और रखी, नीचे रखा। अच्छा नीचे और भी ड्रम रखे हैं। अच्छा क्या बात है, मैं कह रहा हूँ हैंडमेड रहती है, तो इसमें क्या क्या डालते हो आप मेनली, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं इसमें? चटनी मसाले डालते हैं, और टमाटर और साबुत आलू, तेल वगैरह वगैरह यूज़ नहीं होता इसमें, कोई केमिकल नहीं है। अच्छा बढ़िया, 10 के 4 आ जाते हैं। और ये पहले किसी टाइम पर दिल्ली में भी सस्ते होते थे इतने, लेकिन अब बहुत महंगे हो चुके हैं मोमोज वहाँ पे। ये सोयाबीन वाले हैं, तो पहले तो वेज मोमोज आ गए हैं। ये पूरी प्लेट रहती है ना 12 मोमोज की? एक काम करते हैं 10 के तो पहले वेज कर दीजिए हमारे, टेस्ट करेंगे सारे। और ये भी कर दीजिए ऐसी 3-4 क्वांटिटी के हिसाब से, 10-10-15 कितने रुपए की रहती है मिनिमम प्लेट, उस हिसाब से लगा दीजिए। हाँ ये भी 12-12 पीस रहते हैं पूरी प्लेट में, तो 4-4 पीस इनके भी लगा दीजिए। हाँ चटनी देख लो भाई, टेस्ट करने पे वैसे तो बढ़िया लग रहा है चटनी का भी। ये वाले पनीर वाले ठीक है, ये 20 के 6, ये 4 लगा दीजिए पीसेस। ये पनीर है, ये सोयाबीन आ गया। चलो स्टार्ट करें, आइए भाइयों स्टार्ट कर दें। वेज मोमोज देखे पहले, देखो भाई बंद गोभी और गाजर की फीलिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं खाने की। बहुत सही है, स्पाइसी चटनी, पहली बाइट में समझ आ गया था कि हाँ यार चटनी में दबा है। जो स्टार्टिंग में मोमोज आए थे ना, बिल्कुल जब कुछ था नहीं, मतलब अब तो बहुत वैरायटी के आ गए मोमोज देखा जाए। जब स्टार्टिंग में एंट्री करी थी इंडिया में मोमोज, तो ऐसे ही थे बेसिक मोमोज, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था।
आजकल तो सॉसेस वगैरह डाल डाल के अलग अलग फ्यूजन बना रहे हैं मोमोज का। ये आ गया पनीर वाला बंद गोभी, बीच में एक छोटी स्लाइस है पनीर की, थोड़ा फ्राइड पनीर है, एक पीस है पनीर का। इनकी चटनी बहुत कमाल लग रही है यार, एक सोयाबीन ट्राई करते तीनों ही मोमोज अपने जगह ठीक है। पनीर वाले थोड़े से और फिलिंग पनीर की होती तो आप जानते हैं बढ़िया मिल जाते हैं। वेज वाले मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं और सोयाबीन वाले बहुत कमाल है, उनकी चटनी बहुत खुश है। वो फ्लेवर्स वही आ रहा है ऑथेंटिक जो चटनी स्टार्टिंग में होती है, हालांकि थोड़ी और स्पाइसी हो जाती है बट फ्लेवर्स काफ़ी अमेजिंग आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श। अधर्व। ओके, बहुत प्यारा नाम है आपका। अधर्व भाई, मोमोज कैसे लगते हैं? यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ। आपकी फेवरेट कौन से? मेरे फेवरेट मेरे वेज और पनीर, पनीर के वेज और सोयाबीन के। फ्राइड या स्टीम में लेते? मैं स्टीम फ्राइड दोनों अच्छे दोनों लेते हैं। बढ़िया लगते हैं। हाँ, ऐसा कहीं टेस्ट नहीं मिलता नहीं, यहाँ पर टेस्टी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। तो मोमोज यहाँ फ्राई होने वाले हैं, कलर बिल्कुल पकड़ लिया वेज मोमोज ने, फ्राई बिल्कुल क्रिस्पी से लग रहे थे अभी, जैसे कि साइड वाले भाई की प्लेट में आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई, करारे हो चुका बिल्कुल ना। हाँ सीधा। और एक चीज़ मुझे और बढ़िया लगी थी, पिछली बार में आगरा आया था, यहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ थोड़ा कम होता है पैकिंग में, एलुमिनियम वाले का ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पॉजिटिव तो आप मुझे कमेंट बताइएगा। मिक्स फ्राई करवाए थे, उसमें आप देखेंगे पनीर वेज और सोयाबीन तीनों है, कमाल लग रही है ना। चलिए फ्राई का भी मज़ा ले लें ज़रा। बढ़िया तरीके से फ्राई कर दिया भाई। स्वाद बहुत सही आ रहा है, बहुत बेसिक स्वाद है लेकिन ये स्वाद आजकल मिसिंग है, कमाल यार सच में। मैंने फर्स्ट टाइम मोमोज जब खाए थे ना, मुझे उसकी याद आ गई है सच में। बहुत ही ज़्यादा फेमस आगरा में, ये क्राउड आप देख रहे हैं ना, अभी बढ़ता जाएगा ये क्राउड। रात के 8-9 बजे आप आएंगे यहाँ पे तो भाई यहाँ पे दूर से आपको मेन रोड से दिखेगा कि यार ये क्या बेच रहे हैं सर। ये देखें ज़रा, गर्मा गर्म सोयाबीन वाले फ्राइड। बहुत बढ़िया। तो टाइमिंग की बात करें, शाम 4 से 10:30 बजे तक 7 days ओपन है। क्राउड यहाँ चकाचक रहता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के फ़ैन बहुत ज़्यादा है मनोज भाई के। तो भाई ज़रूर आइए आगरा में, अगर आपको बेसिक मोमोज खाने हैं, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पे घूमते हुए आइए पर यहाँ के मोमोज ट्राई करिए। वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इस बड़े बड़े कंटेंट आपके सामने आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।